दोस्तों, मैं कई दिनों से कहते आ रहा हूँ कि YouTube चाहे तो आबाद कर सकता है, YouTube चाहे तो बर्बाद कर सकता है। गाइस, पिछले कई दिनों से मेरे जो व्यू है ना वो डाउन चल रहे हैं, 2025 व्यू आ रहे हैं। तो दोस्तों, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो मेरे डॉलर है ना वो कम बनेंगे और पैसे वैसे कम आएंगे। तो दोस्तों, इसीलिए ना मैं हमेशा कहते रहता हूँ कि मैं दुकान बंद नहीं करता हूँ। क्यों नहीं बंद करता हूँ? क्योंकि YouTube चैनल कभी भी डाउन हो सकता है और कभी भी ग्रो हो सकता है। तो गाइस, अभी है ना थोड़ा प्रॉब्लम में चल रहा हूँ, मुसीबत का दौर चल रहा है, वीडियो नहीं चल रहे हैं, व्लॉग नहीं चल रहे हैं दोस्तों। लेकिन कुछ भी हो, मैं क्या करता हूँ कि भले ही व्यू डाउन चले, लेकिन मैं खुद का कंटेंट लाता हूँ, खुद की मेहनत करता हूँ। ऐसा नहीं करता हूँ कि किसी फेमस के पास चले गया और वीडियो बना लिया, वीडियो वायरल हो गया, फिर दो तीन वीडियो बनाए डाउन हो गए, फिर फेमस के पास चले गया। ऐसा नहीं करता हूँ। इससे क्या होता है कि जो फेमस है उसका भी नुकसान होगा और मेरा भी नुकसान होगा। मेरे चैनल का कोई वजूद नहीं रहेगा और मेरे चैनल की कोई औकात नहीं रहेगी। बस यही कहेंगे लोग कि भाई ये चैनल तो उसकी वजह से चल रहा है। गाइस, मैं पिछले 10 महीनों से अकेला मेहनत कर रहा हूँ, खुद के दम पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने देखा होगा मैंने किसी का सहारा नहीं लिया है पिछले 10 महीनों से। हाँ, शुरुआत में दोस्तों ने थोड़ी बहुत मदद करी थी, लेकिन बाद में मैं खुद वीडियो बनाने लगा, अकेला वीडियो बनाने लगा और जैसे तैसे करके मैंने 40 के सब्सक्राइबर किए हैं। लेकिन अभी फिलहाल क्या हो रहा है गाइस कि मेरे जो व्यू है ना वो डाउन चल रहे हैं। मैं पिछले एक साल से यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ और अच्छा खासा अनुभव हो चुका है मेरा। मैं आपको मेरा नाम फिर से रिपीट कर देता हूँ, मेरा नाम है अफजल खान और आप देख रहे हैं अफजल खान व्लॉग। एंड दोस्तों, मैं आज ना व्लॉग नहीं शूट कर रहा हूँ, सिर्फ एक वीडियो बना रहा हूँ गाइस, इसको एक वीडियो बोल सकते हैं, और मेरा अनुभव शेयर कर रहा हूँ। तो गाइस, अभी है ना व्यू डाउन चल रहे हैं, थोड़े परेशानी में हूँ, थोड़ी मुसीबत में हूँ, लेकिन ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए एक कमेंट करके जरूर बताना। खुद के वीडियो ला रहा हूँ गाइस, मान लो मेरे 2000 व्यू आ रहे हैं या 2500 व्यू आ रहे हैं, लेकिन खुद के दम पे आ रहे हैं। अगर किसी के 10000 व्यू आ रहे हैं, 20000 व्यू आ रहे हैं, लेकिन उसमें चेहरा दूसरे का है, फेमस स्टार का चेहरा हो, तो गाइस मेरे ये 2000-2500 व्यू मायने रखते हैं या वो 10000 व्यू मायने रखते हैं, ये कमेंट करके जरूर बताना। एंड दोस्तों, मैं ऐसा ही हूँ, खुद के दम पे आगे बढ़ना चाहता हूँ, कोशिश करूँगा कि मेरे वीडियो अच्छे से चले। दोस्तों, अभी फ़िलहाल मैं दुकान नहीं बंद कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि यूट्यूब कभी भी चाहे तो आबाद कर सकता है, कभी भी चाहेगा तो बर्बाद कर देगा। तो अभी फ़िलहाल तो यूट्यूब बर्बाद कर ही रहा है, लेकिन मैं मेहनत करूँगा, आगे बढ़ने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, आप भी है ना कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि क्या करना चाहिए, कौन से कंटेंट लाना चाहिए, कौन से वीडियो लाना चाहिए, तो एक आपका एहसान हो जाएगा। एंड दोस्तों, आज व्लॉग इसलिए नहीं शूट कर रहा हूँ क्योंकि आज मेरा मूड थोड़ा अपसेट है, थोड़ा मूड ख़राब है, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, अकेला हूँ मैं और अकेला ही आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ और आप लोगों का प्यार है बस। इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है, एक मकान है, आपने देखा होगा मैं दिखाते रहता हूँ, और एक दुकान है। बहुत से कमेंट ऐसे भी आते हैं, नेगेटिव कमेंट, जो बोलते हैं आप बहुत अमीर हो, बहुत अमीर हो। गाइस, अगर मैं अमीर होता तो पंचर नहीं जोड़ता, एक छोटी सी दुकान लेके नहीं बैठता, और अगर मैं अमीर होता तो मेरी बहुत बड़ी दुकान होती, बहुत बड़ी शॉप होती, लाखों का माल होता, लेकिन मेरे पास मुश्किल से 20000 रुपये का माल भी नहीं है गाइस, तो किस हिसाब से अमीर हुआ? एक मकान मैंने बनाया था, उसके थ्रू आप एक अमीर बोल रहे हो। गाइस, मकान तो बन गया, कर्जे में बन गया, उसका कर्जा मेरे को बहुत सारा देना है, इसलिए ना मैं मेहनत करूँगा। ओ, मेरा हाथ दुख रहा है। इसीलिए गाइस, मैं ना यूट्यूब पे आया था कि मैं मेहनत करूँगा और आगे बढ़ूँगा और जो मेरा कर्जा है वो दूँगा और मेरे घर बच्चों का भविष्य सुधारने की कोशिश करूँगा, बच्चों को अच्छे से पढ़ाई करवाऊँगा। तो गाइस, मेरा यही सपना है। तो मैं किसी का बुरा नहीं करना चाहता और ना ही मैं किसी की बुराई कर रहा हूँ, बस सभी आगे बढ़ना चाहिए, सभी मेहनत कर रहे हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो मेहनत नहीं करना है। यूट्यूब में जो भी आता है सफल होने के लिए आता है। तो गाइस, बस इतना कहना चाह रहा था मैं। गाइस, बहुत से ऐसे कमेंट भी आते हैं कि भाई वहाँ चले जाइए, वो फेमस से मिल लीजिए, वहाँ चले जाइए, वो फेमस से मिल लीजिए, आपका चैनल ग्रो हो जाएगा। मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ, हालांकि ऐसा हो सकता है कि मैंने 6 महीने में किसी से मिल लिए, कोई अगर आ गया तो उसके साथ वीडियो बना लिया, या अपन भी कहीं बाहर गए तो किसी यूट्यूबर के, बड़े यूट्यूबर के साथ वीडियो बना लिया, ऐसा हो सकता है। लेकिन डेली अगर यूट्यूबर के पीछे पड़ जाए, बड़े यूट्यूबर के पीछे, तो अपने चैनल का कोई वजूद नहीं रहेगा। इस बहुत दिनों से मेरे पास कमेंट आ रहे थे, उनका जवाब देना चाह रहा था, लेकिन मैं ना टाइम नहीं मिल रहा था मेरे को। आज मैंने सोचा कि आज मैं व्लॉग नहीं शूट करता हूँ, बस कमेंट का जवाब दे देता हूँ, जो भी लोगों को कमेंट आते हैं उनका जवाब दे देता हूँ। तो गाइस, बस इतनी सी बातें मैं आपके सामने शेयर करना चाह रहा था। मुझे पता है कि क्यों व्यू डाउन जा रहे हैं, क्योंकि मैं ना दुकान बताते रहता हूँ और कंटेंट मेरा एक जैसा चल रहा है, इसीलिए व्यूज डाउन जा रहे हैं। कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे। मैं ना डिमोटिवेट होने वाला आदमी नहीं हूँ
और गाइस मेहनत करने वाला आदमी हूँ मैं, रात दिन मेहनत करता हूँ, दुकान भी चलाता हूँ, घर भी संभालता हूँ और ब्लॉग भी शूट करता हूँ, एडिटिंग करना रात को और वीडियो अपलोड करना, फिर नए सिरे से वीडियो शूट करना, बहुत मेहनत करता हूँ मैं, बहुत मेहनत करता हूँ, ऐसा नहीं है दोस्तों। दुकान चलाना कोई मामूली खेल नहीं है, दिन भर बैठना पड़ता है, 9 बजे से लगा के शाम के 5-6 बजे तक बैठना पड़ता है। दुकान जल्दी इसलिए बंद कर देता हूँ क्योंकि कंटेंट ढूंढता हूँ, टाइटल ढूंढता हूँ ब्लॉग के लिए, इसलिए दुकान जल्दी बंद कर देता हूँ। तो गाइस बहुत सारे सवाल आपके आ रहे थे मेरे पास, उसका मैंने आज जवाब दिया है, और बहुत सारे सवाल आपके ऐसे भी है जिनका जवाब देना उचित नहीं है, अच्छी बात नहीं है, इसलिए मैं वो बातों को शेयर नहीं करता हूँ। ठीक है दोस्तों, वीडियो का एंड यहीं पे कर देता हूँ, और दोस्तों अपना प्यार दीजिएगा, अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा, और मुझे क्या करना चाहिए आगे ये भी बताना आपने ज़रूर। और दोस्तों ऐसा आपके साथ भी होगा, व्यू डाउन चलेंगे, व्यू डाउन हो जाएंगे, लेकिन घबराना नहीं है, कंदराना नहीं है, मेहनत करना है, वीडियो बनाते रहना है, बस वीडियो बनाते रहना है, व्लॉग बनाते रहना है, घबराने वाली कोई बात नहीं है बस। ठीक है दोस्तों, इतनी सी बातें आपके सामने शेयर करना चाह रहा था। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, चैनल पर आप अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, अगर आपको लगे कि मैं सही हूँ, ईमानदार हूँ, मेहनत कर रहा हूँ तो सब्सक्राइब कर लेना। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, बाय, लव यू ऑल।